हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट लेक्चर, वाटर बैरोमीटर। अब मर्करी बैरोमीटर हमने पढ़ लिया, ओपन ट्यूब मैनोमीटर हमने पढ़ लिया, अब वाटर बैरोमीटर क्या है? देखो, बैरोमीटर मींस जो प्रेशर को मेजर करता हो। अब ये चीज हमने पढ़ी कि बैरोमीटर के अंदर हम मर्करी फिल करते हैं, बट क्या हो अगर हम उसके अंदर वाटर फिल कर दे? तो यही क्वेश्चन किसके माइंड में आया? वॉन गुरिक्के के माइंड में आया। वॉन गुरिक्के ये एक साइंटिस्ट था, तो इसके माइंड में आया कि क्यों ना हम बैरोमीटर के अंदर मरकरी की जगह वाटर फिल कर दे, तो क्या होगा? तो उसने क्या देखा कि जो वो बैरोमीटर बना रहा था जिसके अंदर वाटर फिल होने वाला, तो उसके लिए उसको जो बैरोमीटर का डिजाइन करना था, तो उसके लिए उसको देखना पड़ेगा कि बैरोमीटर की हाइट है वो कितनी लेनी पड़ेगी। एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तब तक पता लग चुकी थी, किसके थ्रू? टोरीसेल ने बता दी थी कि टोरीसेल ने बताया कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ये बात किसने बताई? टोरीसेल ने बताई। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू उसको पता थी, सिर्फ उसको एक बैरोमीटर डिजाइन करना था वाटर के साथ। तो अब यहां से देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? H ρg। इसकी वैल्यू टोरीसेल ने कितनी बताई? 1.01 × 10⁵ पास्कल। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें बैरोमीटर की हाइट बतानी है, तो H निकालना है। तो उसके लिए उसने लिया डिस्टेंस डिवाइड बाय ρg, 1.01 × 10⁵ इंटू रो। अब रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वॉटर। वॉटर ही उसको फिल करना था, तो वॉटर की डेंसिटी होगी 10⁴, और जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 9.8। तो यहां से जब हम कैंसल आउट करेंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास आएगी 10.3 मीटर। ठीक है, 10.3 मीटर। अब यहां पर वॉन गुरिक्के ने देखा कि सबसे पहली डिफिकल्टी जो उसको आई कि वो एक बैरोमीटर बनाना चाहता है और उस बैरोमीटर की हाइट कितनी होगी? 10.3 मीटर। तो 10.3 मीटर कितनी बड़ी हाइट होती है? तो यहां से अगर हम ले, ये बोर्ड यहां तक कितना हो जाएगा? 1 मीटर का हो जाएगा। तो 10 मीटर कितनी ज्यादा बड़ी हाइट होगी, और उस इतनी बड़ी हाइट के साथ जो बैरोमीटर का बनाना उसकी सबसे फर्स्ट चैलेंज था। तो वहां पर उसने बैरोमीटर बना लिया। अब इतने बड़े बैरोमीटर को वो लैब में तो रख नहीं सकता है, क्योंकि इतना बड़ा बैरोमीटर आएगा कहाँ से लैब में? तो ये उसकी सेकंड चैलेंज था उसके लिए कि बैरोमीटर को रखे कहाँ पे। तो इस वजह से उसने क्या लिया कि उस बैरोमीटर को उसने अपने ही घर की बाहर वॉल के ऊपर लगा दिया। ठीक है, जिससे ये क्या हो गया? उसका घर हो गया। ठीक है, तो यहां पे उसने इस लंबे से बैरोमीटर को लगा दिया जिसकी हाइट कितनी है बैरोमीटर की? 10.3 मीटर। ठीक है, 10.3 मीटर। तो वो उस बैरोमीटर को हर रोज ऑब्जर्व करता था। तब एक दिन क्या हुआ? स्टॉर्म आने वाला था, तूफान आने वाला था। तो उसने देखा कि जो इसके अंदर वॉटर का लेवल है, वॉटर लेवल है, वो सडन एकदम से फॉल हो गया, डिक्रीज हो गया। एकदम से वॉटर लेवल क्या हो गया? फॉल हो गया, डिक्रीज होके नीचे आ गया। वॉटर का लेवल मान लो पहले यहां तक था, फिर एकदम से नीचे गिर गया। वॉटर का लेवल नीचे गिरा तो उसने देखा कि कुछ तो चेंज हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर। फिर उसने देखा कि वॉटर का लेवल जब भी नीचे गिरा तभी तूफान आ गया। तो उसने यहां से कंक्लूजन निकाला कि वॉटर बैरोमीटर के अंदर जब वॉटर का लेवल नीचे जाएगा दैट मीन्स तूफान आने वाला। तो सबसे पहले वेदर फोरकास्टिंग की थी वॉन गुरिक्के नाम के साइंटिस्ट ने। सबसे पहले बताया था कि हम इस तरह से इस अपरेटस का यूज करके बता सकते हैं कि तूफान कब आने वाला है। तो यहां से एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि उसके माइंड में ये चीज आई कि हम मरकरी ही क्यों डालें, वॉटर क्यों नहीं डालते? तो वॉटर के डालने की वजह से जो बैरोमीटर की हाइट थी वो बहुत ज्यादा हो जाती, तो वो उसको यूज करना इनकन्वीनियंट हो जाता था। तो इसकी वजह से जो वॉटर बैरोमीटर है वो फिसिबल नहीं है। वॉटर बैरोमीटर इज नॉट
फिसिबल, और इसीलिए हम बैरोमीटर के अंदर किसका यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं।